जी हम जो आज की इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 8 की जो आपकी पुस्तक है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको इस पुस्तक का कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर जो आपका 10 है वहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपकी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका। अब हम कार्यपत्रक नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दिए गए वाक्यों को स्थिति के अनुसार हमें मिलान करना है। जैसे कि बच्चों पहले वाले को आशा बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, और रोहित रात को देर से सोया है तो वह कल विद्यालय नहीं जा पाएगा, इससे मैच कर लोगे। नेक्स्ट सविता ने अपने भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है, इससे मैच कर लोगे। फिर बच्चों स्वाति को विज्ञान बहुत पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है, और जानवरों की आवाज़ सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। तो बच्चों जैसे जैसे मैच किया ठीक इसी प्रकार से आप करोगे। चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर हमें बताना है घंटियाँ कितनी सुंदर है। अब घंटियाँ कहाँ पर होती हैं बच्चों? मस्जिदों, गुरुद्वारे, ताजमहल में तो होती नहीं, मंदिरों में होती हैं। तो मंदिरों पर हम सही उत्तर करेंगे। देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, ऑप्शन में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए। अब पत्थर को कौन तराशता है? चित्रकार, गीतकार, काश्तकार तो नहीं तराशते, मूर्तिकार तराशता है, इसलिए मूर्तिकार वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। बच्चों अब क्वेश्चन में पूछा पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या वैज्ञानिक, शिक्षक या डॉक्टर? बच्चों पैदल तो यात्री चलते हैं इसलिए इसमें यात्री आएगा। नेक्स्ट व्यक्ति जो सदैव असफल होता है, तो बच्चों मेहनती, चुस्त और विद्वान व्यक्ति असफल नहीं होते सदैव, आलसी जो व्यक्ति होते वे होते हैं, इसलिए आलसी व्यक्ति सही करोगे आप। इसके बाद में उसने फल नहीं खाया गया, तो क्योंकि फल मीठा था, लाल था, पका था, तो बच्चों फल कड़वा था इसलिए नहीं खाया गया। चलिए कार्यपत्रक नंबर 1 कंप्लीट, कार्यपत्रक नंबर 2 देख लेते हैं। इसकी दक्षता है एक जैसे चित्रों में असमानता ढूंढकर लिख पाना। और जो ये चित्र आपको दिया है इसमें असमानता हमें ढूंढनी है, चित्र आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। चलिए असमानता हम ढूंढ लेते हैं बच्चों। बच्चों अगर हम इन दोनों चित्रों को ऐसे रखते हैं तो असमानता हमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 आम है और यहाँ पर ओनली 1 एक आम है, और इसमें बच्चों ये जो कद्दू टाइप से चीज़ रखी है इसका कलर पीला है और यहाँ पर हरा टाइप से है। ये जो बच्चों ड्रिंक है, ड्रिंक का कलर भी आपको अलग देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों जो आइसक्रीम हमें दिखाई दे रही है आइसक्रीम भी इनके हाथ में अलग अलग दी हैं। तो इस प्रकार की असमानताएँ हमें बच्चों देखने को मिल रही हैं। चलिए अब हम आपका जो कार्यपत्रक नंबर 3 है इसे कंप्लीट करते हैं। बच्चों इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, सर्वनाम शब्दों की पहचान व प्रयोग कर पाना। अब नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर उनमें सर्वनाम छांट करके बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों ये बॉक्स में हमने लिखा, देखिए उसकी सहेली का नाम सीमा है, वह आने वाले मकान में रहती है, मेरे घर भी उसके पास है, यहाँ एक बगीचा है, उसके घर पर कोई नहीं आया, उसने जहाँ भी पेन खरीदा वहीं एक किताब भी खरीदी, तुम्हारा नाम क्या है, ये पूरा सेंटेंस पूरा पैराग्राफ आप लिखोगे। अब बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है उचित सर्वनाम का प्रयोग करके। तो चलिए रिक्त स्थान को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे उसका, यहाँ उसे, उनमें, बे, बे, जिसे, उनकी, उनकी, ये चीज़ें आपको लिखनी है, और नीचे अपने। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 3 कंप्लीट, कार्यपत्रक नंबर 4 हम यहाँ से देखते हैं। चित्र को देखकर सही क्रिया वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों रोहन पढ़ रहा है इसलिए इस पर हम टिक करेंगे। फिर बारिश में नहा रहा है इसलिए इस पर टिक करेंगे। सर्दी से बच्चा कांप रहा है तो इस पर टिक करेंगे। और आकाश में सितार बज रहा है, आकाश सितार बजा रहा है तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है। अब जो दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हो क्रिया संबंधित एक वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया बगीचे में तितली उड़ रही है, बगीचे में चिड़ियाँ उड़ रही है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, और लड़की रस्सी कूद रही है, ये सभी आपको बना लेना है। अब जो दिए गए शब्दों में क्रिया से मिलान करना है, जैसे कि दुख को बच्चों हम करेंगे दुखाना से मैच, लोभ को करेंगे लुभाना से, झूठ को बच्चों झुठलाना से, खेल को खिलाना से, थर थर को थर थराना से, ठीक है। ये जोड़ी हमारी मिली। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसे, जीत को बच्चों जीतना से मैच कर लेंगे, पानी को हम करेंगे पीना से, चल को हम करेंगे चलना से, झूल को झूलना से, और पढ़ को पढ़ना से। अब जो ये भी आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 5। दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कि बच्चा दूध पीता है तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता लिखा है। अब गाय घास खाती है तो गाय हरी घास खाती है, बच्चों इसमें हरी क्या है? विशेषण है। बच्चा सोता है, बच्चा सीधा सोता है, तो सीधा सो रहा है ये इसका क्या है? विशेषता है। वह गाता है, मधुर गाता है, तो मधुर गाना क्या है? उसकी विशेषता है। नदी बहती है तो नदी तेज बहती, तेज बहना उसकी विशेषता है। चलिए ये कंप्लीट। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है बच्चों।
गाना तो कोयल सुरीला गाती है, उठना सुमन जल्दी उठती है, हंसना राजू जोर से हंसता है, लिखना कड़िका धीरे धीरे लिखती है, देखना आदित्य टीवी देख रहा है। अच्छा, क्रिया और विशेषण शब्द छाटिए। तो देखिए, एक क्रिया विशेषण इसमें है चुपके से और खिलखिलाकर, और क्रिया है भाग गया और हंस दिया। अब अच्छा, इसके बाद में हमें बताना है अकर्मक क्रिया कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इनमें से अकर्मक सकर्मक क्रिया बतानी है। तो बच्चों, ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक है ये। मधु पानी भरता, ये भी मनु पानी भरता है, ये भी सकर्मक है। नवीन दौड़ता है, ये अकर्मक है। मैं गाता हूँ, ये अकर्मक है। और चिड़िया उड़ रही है, ये भी अकर्मक है। कार्यपत्रक नंबर 6 आ जाता है बच्चों, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। अब ये गद्यांश पद्यांश हमें दिया गया है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो इस कविता में उचित शीर्षक, तो चिड़िया की पीड़ा उचित शीर्षक है। आंधी आने के बाद क्या हुआ है, तो आंधी आने पर चिड़िया का जो घोंसला उड़ गया है और अंडे फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, तो चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई होगी ताकि वे नया घोंसला बनाकर रह सके। जब आंधी आती है तो आप क्या करते हैं, तो बच्चों जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं और स्वयं भी घर के अंदर बैठ जाते हैं। फिर ये चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो चिड़िया जो है अपना घोंसला पेड़ या ऊँची रोशनदान में बनाती है। बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 7 हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी दक्षता हमें दी है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके पुनः लिखना है। जैसे मैं कल रजनी के घर जाऊँगी, तो मैं कल रजनी के घर आऊँगी, ऐसे ही आपका हो जाएगा कि आपका नाम जतिन है, सहनाज रेखा और गायत्री जा रही हैं, मेरा भाई पास हो गया। अब जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, रा रतन से हमने बनाया परम चरण, धर्म से कर्म फर्ज, ऐसे ही हम इधर बना लेंगे बच्चों। प्रा का प्रकाश, क्रम भ्रमण, राष्ट्र का ओष्ठ राष्ट्रीय। नीचे लिखे शब्द के सही अर्थ नहीं दे रहे हैं आप, इन्हें प्रकार से वे अर्थ देने लगे, तो बच्चों सही अर्थ देने लगे। जैसे सगीला था, इसका गिलास बनाया, लेजवी का जलेबी, किन किन मन का नमकीन, ठाम इसका मिठास, नापसी का पसीना, लफू का फूल। अब जो यहाँ पर दिए हैं 3-3 पर्यायवाची हमें लिखना है, जैसे आँख का नयन, नेत्र तक चक्षु, पानी का जल तोयनीय, हवा का हम लिखेंगे पवन समीर वायु, धरती का लिखेंगे धरा भूमि जमीन। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखते हैं 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। जैसे कि तोता, तोता हरे रंग का पक्षी है, इसकी चोंच लाल होती है। सितार, पुष्पेंद्र को सितार बजाना आता है। किताब का लिखेंगे सविता ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। थाली का लिखेंगे सब बच्चे अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। चलिए बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 8 हम सॉल्व कर लेते हैं, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो अब्बा का आधा बा और बा होगा, लस्सी का आधा सासी, शक्कर का आधा काका, सच्चा का आधा चाचा, टट्टू का होगा बच्चों आधा टा और टू, मक्का का आधा काका, ध्वजक का आधा धावा, मच्छर का आधा चा और छा। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए वाक्य बनाना है। जैसे कि बच्चों छा से हमने बनाया शिक्षा, क्षत्रिय दीक्षा भक्षक, ऐसे ही ज्ञा से बनेगा ज्ञान विज्ञान अज्ञानी अज्ञान, त्रा से बनेगा त्रिशूल मित्र शत्रु छत्रक, श्रा से बनेगा श्रम श्रमिक मिश्र श्रेय। अब जो दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है। जैसे कि कर्म, नर्म, सर्म कर्म बनाया, हक्का मक्का, पक्का चक्का, ये बनाए, प्रगति प्रयत्न प्रेरणा प्रशांत बनाया, द्वारा द्वारिका विद्वान और विद्युत। अच्छा, 4th नंबर का क्वेश्चन है, शब्दों को संयुक्त व्यंजन और शब्दों में व्यंजनों वाले अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन एक साइड लिखे, द्वैत व्यंजन अलग। इधर संयुक्त व्यंजन लिखे श्रमिक क्षमा पत्रिका स्वयं, इधर द्वैत व्यंजन लिखे द्वितत्व गुब्बारा बच्चा कच्चा लड्डू। अब बच्चों ये कंप्लीट, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है। तो ये देखिए वर्ण विच्छेद हमने कर रखा है, सबसे पहले थर्मस का हुआ, इसके बाद सुमन का हमने किया है, थेला का किया है, सर्म का किया है और शाद का किया है। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 9 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसकी दक्षता दी है विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे शब्दों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे कि मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, अभी इसका विलोम शब्द लिख करके बताना है, तो मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे घर के सामने बगीचा है, तो मेरे घर के पीछे बगीचा। सामने का हमने क्या किया, उल्टा किया, तो सामने का होता पीछे, और पूरा सेंटेंस बनाया। मेज के ऊपर फ़ोन रखा, ऊपर का हमें विलोम शब्द बताना है, तो ऊपर का विलोम होगा नीचे, मेज के नीचे फ़ोन रखा है। ऐसे ही चाय बहुत ही गर्म है, तो गर्म का विलोम होगा ठंडा, तो चाय बहुत ही ठंडी है। अब देखिए नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो खेती का काम करता हो उसे किसान कहते हैं, मरीजों को देखता चिकित्सक कहते हैं, बच्चों को पढ़ाता अध्यापक कहते हैं, विदेश में रहता विदेशी कहते हैं।
चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे दुख का सुख। वाक्य प्रयोग होगा आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, चलते चलते रुकते रुकते। वाक्य प्रयोग हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी। खुली आंखों बंद आंखों, वाक्य प्रयोग बंद आंखों से रास्ता पार कर सकता है। ऐसे ही अधभूका का भी हमने किया है। तो चलिए बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 10 हम आपका कंप्लीट कर लेते हैं। दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिखा सेनी चिड़िया ऊटनी सेठानी, इनके बहुवचन सेनिया चिड़िया ऊटनिया सेठानिया, ठीक है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए गायक का गायिका, बंदर का बंदरिया, नेता का नेती, मगरमच्छ का मादा, मगरमच्छ नाग का नागिन। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर सेविका का सेवक, ठकुरा इनका ठाकुर, मक्खी का मादा मक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। अब जो कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुन करके वाक्य को पूरा करना है। हम पिक्चर देखने जाएंगे। मोहन पहले से अधिक खुश था, बड़ी बहन ताना मारती हुई बोली, लौकी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। बच्चों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना, जैसे कि हम सब खाना खा रही हैं, हम सब खाना खा रहे हैं, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है, वह बीकानेर गया। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 10 तक। अगर आपको और कार्यपत्रक के उत्तर देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के देख सकते हैं।